परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी के लिए नई अपडेट आई है दोस्तों, और नए आंकड़े भी इशू किए गए हैं कि अब तक कितने पीपीपी बन गए हैं और अपडेशन का काम हो चुका है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और हरियाणा में जो ग्रामीण क्षेत्र से गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए एक खबर आई है, खुशखबरी की खबर है ये, वो भी इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्या खबर है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं यह है वीडियो। आज चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी पर परिवार के डाटा अपग्रेडेशन कार्य की प्रगति की समीक्षा की बैठक की गई। इस बैठक में परिवार पहचान पत्र के तहत सभी परिवारों का 100% पंजीकरण और डाटा अपग्रेडेशन का कार्य 31 दिसंबर 2020 तक करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप 31 दिसंबर तक ये सारे काम कर लीजिए। परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, अपडेशन का हो या नए बनाने का हो, ये उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों का डाटा तुरंत अपडेट किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डाटा को भी परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ लिंक किया जाए और घर के मुखिया द्वारा डाटा का सत्यापन करवाना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, जिन गांव या वार्डों में परिवार पहचान पत्र का डाटा पंजीकरण व डाटा अपडेशन का कार्य 90% तक हो जाए, उसके बाद एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाए जिसके तहत मोबाइल टीमें तैयार की जाएं और वो टीमें गांव में घर घर जाकर शेष 10% कार्य को तुरंत पूरा करें। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर आंकड़े की बात करें तो दोस्तों, परिवार पहचान पोर्टल पर 27,75,257 परिवारों का डाटा अपडेट किया जा चुका है। अधिकतर जिलों में 50% तक का कार्य पूरा हो चुका है। परिवार पहचान पत्र का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और यह डाटा केवल सरकारी योजनाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये बात भी कही है सीएम साहब ने। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने शहरों की तर्ज पर कॉलोनियां विकसित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम इसराना पानीपत में एक मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी। डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला इस संदर्भ में बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दोस्तों, चौटाला साहब ने निर्देश दिए हैं कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के द्वारा गांव के अंदर भी शहर की तर्ज पर एक मॉडल कॉलोनी विकसित की जाए, वो उसकी पहली कॉलोनी इसराना पानीपत में बनाई जाएगी, ये उन्होंने निर्देश दिए हैं। ठीक है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की भी शुरुआत की है। देखिए दोस्तों, पशुपालन एवं मत्स्य पालन बना आय का एक और अब एक और साधन, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत। इस क्रेडिट कार्ड की सीमा 1,60,000 रुपये है। इसके तहत अब तक 6,00,000 पशुपालकों का पंजीकरण तथा 51,156 पशुपालकों क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। दुधारू पशुओं की खरीद हेतु बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा के तहत 1692 डेयरी इकाइयाँ स्थापित की हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि हरियाणा के अंदर परिवार पहचान पत्र को लेकर क्या डेट घोषित की गई है कि इतनी तारीख तक आप ये सारे अपडेशन का काम करवा दीजिए, और कितने आंकड़े हुए हैं वो भी आपको जानकारी मिल गई है, और ग्रामीण क्षेत्र से क्या खबर आई थी वो भी आपको इस वीडियो में मिल गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।